हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और एकदम मजे में होंगे। तो आई वेलकम यू ऑल ऑन निंजा प्रेप फिजिक्स, जहां पर आपको बीएससी एमएससी फिजिक्स के सबसे आसान भाषा में लेक्चर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक होने वाला है साइज ऑफ अ फेज स्पेस सेल। एक फेज स्पेस सेल का साइज कैसे निकालते हैं, क्या उसकी वैल्यू होती है, वो हम देखने वाले हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट करें, यदि उसके पहले आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है साइज ऑफ अ फेज स्पेस सेल। अब ये फेज स्पेस क्या है, अगर ये आप लोगों को नहीं पता है तो इसके लिए आपको इसके पीछे पहले वाला लेक्चर देखना पड़ेगा। और अगर आपने देखा है तो बहुत इजी लेक्चर होने वाला है आपके लिए, और अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर उस लेक्चर को आप देख सकते हैं। तो फिर भी मैं थोड़ा बहुत आपको आइडिया दे देता हूँ स्पेस सेल का, फेज स्पेस सेल का। फेज स्पेस सेल क्या होता है, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जो फेज स्पेस है उसको हमने नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया था। ये फेज स्पेस था, ये फेज स्पेस था, इसको हमने बहुत सारे कंपार्टमेंट्स में बांध दिया था। ठीक है, ये कंपार्टमेंट्स बन गए, मान लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। किसी एक कंपार्टमेंट को मैंने पिक कर लिया, लेट सपोज एक को मैंने पिक कर लिया, तो एक को भी मैंने एलिमेंट्री वॉल्यूम में बांट दिया, है ना, ये ऐसे बांट दिया। तो इसका जो कंपार्टमेंट का भी सबसे छोटा जो सेल हो गया उसको हमने क्या कहा, फेज सेल। तो फेज सेल का मतलब क्या हो गया, स्मॉलेस्ट एलिमेंट्री वॉल्यूम ऑफ अ फेज स्पेस इज कॉल्ड फेज सेल। स्मॉलेस्ट एलिमेंट्री वॉल्यूम और स्पेस ऑफ अ फेज स्पेस इज कॉल्ड फेज स्पेस सेल। फेज स्पेस का सबसे छोटा वॉल्यूम वाला पार्ट क्या कहलाएगा, फेज स्पेस सेल कहलाएगा। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो सबसे एलिमेंट्री वॉल्यूम वाला पार्ट है उसका जो वॉल्यूम है वो कितना आया था, उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी। तो वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ स्मॉलेस्ट एलिमेंट और सेल, इसकी वैल्यू को हमने लिखा था किससे, डी टाउ से, और ये किसके बराबर आई थी, डी वी इंटू डी सिग्मा के, और डी वी किसके बराबर था, डी एक्स डी वाई और डी जेड, और डी टाउ जो था वो किसके बराबर था, डी सिग्मा किसके बराबर था, डी पी एक्स डी पी वाई और डी पी जेड इसके बराबर था। इसको लिख देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ तक तो जो सब कुछ कंक्लूड किया हमने लास्ट के लेक्चर का था उसका रिकैप ही हम एक तरह से देख रहे थे। अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो ये जो इक्वेशन फर्स्ट लिखी है मैंने, इसको मैं रीअरेंज करके वापस से लिख सकता हूँ। तो रीअरेंज इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट को मैंने रीअरेंज किया, जो वॉल्यूम था डी टाउ उसको मैंने लिखा कैसे, वापस से अरेंज करके डी एक्स डी पी एक्स डी वाई डी पी वाई और डी जेड और डी पी जेड, इस तरह से मैंने वॉल्यूम को लिख दिया और इसको डाल दिया मैंने इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम याद करेंगे यहाँ पर किसको, हाइजेनबर्ग को। ठीक है, और क्यों याद करेंगे इसको भी डिस्कस करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अब हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, देखो क्लासिकल मैकेनिक्स की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर हम स्मॉलेस्ट जो एलिमेंट है, वॉल्यूम जो है, उसको हम जीरो भी ले सकते हैं या उसकी कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं।
जबकि जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो ये कहती है कि जो वॉल्यूम है, जो आपका मिनिमम वॉल्यूम होना चाहिए, यानी कि जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उसके वॉल्यूम की एक मिनिमम वैल्यू होगी, उससे कम आप उसको नहीं कर सकते। क्लासिकल में हम उसको जीरो भी कर सकते हैं, पर क्वांटम में ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्वांटम में कंक्लूड करते हैं, हम क्वांटम में कंसिडर करते हैं किसको, हाइजनबर्ग प्रिंसिपल को, अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल को, जो कि ये कहता है कि यदि आप किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए उसका मोमेंटम भी निकाल रहे हैं और क्या निकाल रहे हैं, उसकी पोजीशन भी निकाल रहे हैं, तो दोनों को एक ही टाइम पे एक साथ एक्यूरेटली आप मेज़र नहीं कर सकते। यानी कि अगर आप पोजीशन को एक्यूरेटली मेज़र कर रहे हो तो उसके मोमेंटम में कुछ ना कुछ एरर आएगी, इसी तरह से अगर आप मोमेंटम को एक्यूरेट मेज़र कर रहे हो तो किस में एरर आएगी, पोजीशन में कुछ ना कुछ एरर आएगी, यानी कि अनसर्टेनिटी आएगी, दोनों की वैल्यू एक्यूरेट नहीं आ सकती। ठीक है, तो हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं, तो क्वांटम की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारा जो वॉल्यूम है उसकी एक मिनिमम वैल्यू होगी, अगर क्लासिकल होता तो वहाँ पर इसकी वैल्यू जीरो हो जाती। तो जैसा कि मैंने कहा कि दोनों की वैल्यू एक्यूरेट नहीं आएगी, और हाइजनबर्ग का जो प्रिंसिपल है वो क्या है कि पोजिशन और मोमेंटम का जो मल्टीप्लीकेशन है वो ग्रेटर दैन इक्वल्स टू होगा एच के। एच क्या है, प्लैंक कॉन्स्टेंट है। तो अगर मैं एक्स डायरेक्शन के लिए लिखूँ तो डी एक्स और डी पी एक्स ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा एच के। एच क्या है, प्लैंक कॉन्स्टेंट है, मैं लिख देता हूं। ये डी एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी इन एक्स डायरेक्शन। ये डी पी एस क्या है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। और ये h क्या है, h का मतलब है प्लैंक कांस्टेंट। तो यहाँ से क्या बना, dx dpx ग्रेटर देन इक्वल्स टू h। इसी तरह से y डायरेक्शन के लिए क्या हो जाएगा, y डायरेक्शन के लिए हो जाएगा dpy और dy ग्रेटर देन इक्वल्स टू h। सिमिलरली z डायरेक्शन के लिए हो जाएगा dz dpz ग्रेटर देन इक्वल्स टू h। तो इनको मैं नाम दे दूंगा, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर मेरी 4, ये हो जाएगी थर्ड इक्वेशन और ये हो जाएगी कौन सी, फिफ्थ इक्वेशन। तो मैं 3, 4, 5 का यूज़ करूँगा कहाँ पर, इस इक्वेशन में, जो कि है इक्वेशन सेकंड। तो यूजिंग इक्वेशन 3, 4 एंड 5 इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 में अगर इसका यूज़ करता हूँ तो देखो क्या लिखा जाएगा, डी टाउ इक्वल्स टू डी एक्स डी पी एक्स की जगह हम क्या लिख देंगे एच, डी वाई डी पी आई की जगह क्या लिख देंगे एच, डी जेड डी पी जेड की जगह क्या लिख देंगे एच। तो ये हो जाएगा एच मल्टीप्लाई बाई एच मल्टीप्लाई बाई एच, यानी कि हमें जो मिल रहा है, जो डी टाउ की वैल्यू है वो कितनी मिल गई, एच क्यूब मिल गई, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच क्यूब हो गई। तो हम यहाँ पर एक मिनिमम वैल्यू ले लेंगे, लेट मिनिमम वैल्यू ऑफ स्पेस सेल जो कि है किसके बराबर हो गई, डी टाउ इक्वल्स टू एच क्यूब। ये मिनिमम वैल्यू हो गई किसकी, फेज स्पेस सेल की, एच क्यूब के। और इसको मैंने इक्वेशन नंबर दे दिया कौन सा, 6, इक्वेशन नंबर 6। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि टोटल नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल इन अ फेज स्पेस। ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल इन अ फेज स्पेस। ये कुछ वैसे ही हो गया जैसे कि आपको बोला जाए कि एक ये दीवार है, ठीक है, इसकी आपको डायमेंशंस दे दी जाए। लेट सपोज ये है x, ये है वाई, और ये अंदर की तरफ है इसकी डेप्थ जेड, और आपको कोई एक ईंट दे दी जाए और उस ईंट का आपको वॉल्यूम पकड़ा दिया जाए। ये ब्रिक है, ब्रिक मतलब ईंट, और इसका आपको वॉल्यूम गिवन है। तो अब आपसे पूछा जाए कि इसमें टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी आएंगी, तो आप क्या करेंगे, इस टोटल जो दीवार होगा, वॉल होगी, इसके वॉल्यूम में को आप डिवाइड कर दोगे एक ब्रिक के वॉल्यूम से, तो नंबर ऑफ क्या आ जाएगी, ब्रिक्स आ जाएगी। तो इसी तरह से हम यहाँ पर कैसे निकालेंगे, हम टोटल नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल निकालना चाह रहे हैं फेज स्पेस में, तो हम क्या करेंगे, जो टोटल वॉल्यूम होगा फेज स्पेस का
उसको मिनिमम वॉल्यूम से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फेज स्पेस। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ फेज स्पेस का। तो टोटल नंबर ऑफ फेज स्पेस का जो फॉर्मूला है वो क्या आ जाएगा, टोटल वॉल्यूम अपॉन मिनिमम वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम अपॉन मिनिमम वॉल्यूम। अब जो टोटल वॉल्यूम है वो कैसे निकलेगा, हमारे पास एलिमेंट का है, एलिमेंट का वॉल्यूम है कितना, dx dpx dy dpy dz dpz। तो ये एक एलिमेंट का है, तो हमें पूरे का वॉल्यूम निकालने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब इंटीग्रेट हर डायरेक्शन में होगा, तीन बार इंटीग्रेट होगा वो पोजिशन स्पेस के लिए, और तीन बार इंटीग्रेट होगा वो मोमेंटम स्पेस के लिए, क्योंकि टोटल कितने डायमेंशन है, छः। तो टोटल वॉल्यूम को हम क्या लिखेंगे, एक दो तीन, ये तो किसके लिए हो गए, पोजिशन स्पेस के लिए। इसको कैसे लिखोगे, dx dy और dz। फिर किसके लिए बात करोगे, मोमेंटम स्पेस के लिए, एक दो तीन, ये कितना हो गया, dpx dpy और dpz। और मिनिमम वॉल्यूम जो है वो कितना है, वो है h क्यूब। मिनिमम वॉल्यूम जो है वो कितना है, h क्यूब। तो h क्यूब से इसको कर दिया आपने डिवाइड, h क्यूब। तो ये क्या आ गया, टोटल नंबर ऑफ फेज स्पेस, टोटल नंबर ऑफ फेज स्पेस इन अ फेज, टोटल नंबर ऑफ फेज सेल, सॉरी टोटल नंबर ऑफ फेज सेल इन अ फेज स्पेस। तो उसका ये हमारे पास क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो होपफुली ये जो लेक्चर है आप लोगों को समझ में आया होगा किस तरह से हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे टोटल नंबर ऑफ फेज सेल्स की, फेज सेल्स क्या होते हैं और कैसे उसकी कैलकुलेशन की जाती है, ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यदि आप इस लेक्चर को देख रहे हैं और लेक्चर को पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।